वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में आपके अभी एडमिशन्स चल ही रहे हैं कि आपके पीसीबी हॉस्टल जिसका जो लास्ट डेट था हॉस्टल का फॉर्म फिल करने का, वो था 16 सितंबर और आज आपकी डेट है 19 सितंबर। और सर, पीसीबी हॉस्टल ने अपनी जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है उसको रिलीज कर दिया है। सो बात करेंगे आखिर आपके क्या है फर्स्ट मेरिट लिस्ट, और बाकी अगर आप नए चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको सारी अपडेट यहाँ मिल जाएगी। सो बात करेंगे कि क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट। और देखिए, वैसे जो सर पीसीबी हॉस्टल है ये सिर्फ और सिर्फ बॉयज का है, पर अगर आप गर्ल्स भी हैं तो आपके लिए इससे बहुत ही अच्छा मिलेगा इनसाइट कि आखिर कट ऑफ क्या जा रही है, क्योंकि ऑलमोस्ट कट ऑफ है आपकी पैरेलल ही रहेगी। बल्कि जो गर्ल्स हॉस्टल हैं उनमें नंबर ऑफ सीट्स भी कम है, बल्कि बॉयज हॉस्टल में डिफरेंट हॉस्टल्स में बॉयज़ की सीट्स हैं, जिसकी वजह से जो कट ऑफ है कम जाती है बॉयज़ हॉस्टल्स की। पर सर, पीसीबी हॉस्टल में जो कट ऑफ है वो ऑलमोस्ट हाई ही रहती है मोस्ट प्रोबेबली डिफरेंट ईयर्स में। सो बात करते हैं कट ऑफ क्या है और बाकी आपको जो हॉस्टल लेने का सीक्वेंस है वो क्या रहने वाला है। देखिए, आपके जो सर पीसीबी हॉस्टल है इसमें जब हॉस्टल आपको मिलता है उसके पहले आपका होता है इंटरव्यू। आप डरना नहीं इंटरव्यू से। तो जो आपका इंटरव्यू है उसमें आपका बेसिक चीजें ही पूछते हैं आपके, बाकी आप कहाँ से हैं, आपका घर क्या है, आपके पेरेंट्स वगैरह। सो जो आपका इंटरव्यू है उसमें आपसे बेसिक क्वेश्चन ही पूछते हैं, जैसे आपका घर कहाँ है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, और बाकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो ये बताएगी कि आप एक स्टूडेंट हैं और आप भारत एक नागरिक हैं, वो सब चीजें। और बाकी जब आपका होगा इंटरव्यू तो उस टाइम में आपका एक गार्जियन होना चाहिए, चाहे आपके मम्मी हो, पापा हो या कोई आपका बड़ा भाई बहन हो। सो अगर आपके कोई गार्जियन है तो उनका एक आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, लाइक उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड, आते कुछ भी हो सकता है जिससे कि वो अपनी आइडेंटिटी प्रूफ कर सकें। सो बात करते हैं कट ऑफ क्या आई है आपकी बीए कोर्स की, बीएससी की और बीकॉम की, क्योंकि आपका जो सर पीसीबी हॉस्टल है वहाँ पर इन्हीं तीनों कोर्सेज में ही आपको हॉस्टल मिलता है। तो आपके जो कट ऑफ है बीए कोर्स के लिए बीए बॉयज सर पीसीबी हॉस्टल जनरल की गई है 644 और बीए में ओबीसी गई है 617.9 और बीए में आपकी गई है शेड्यूल्ड कास्ट की 494.3 और आपकी गई है शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बीए में 161 और बीए में ईडब्ल्यूएस की गई है 618। देखिए, आपकी जो मेरिट लिस्ट है हॉस्टल की बीएससी कोर्स में वो बीएससी बायोलॉजी और बीएससी मैथमेटिक्स की बॉयज हॉस्टल में साथ आती है, गर्ल्स में अलग आती है। सो बॉयज में हम बात करेंगे साथ में ही कंबाइंड बीएससी मैथ, बीएससी बायोलॉजी, तो आप इनमें से किसी भी कोर्स के हैं तो आप मान लीजिए कट ऑफ है यही है। देखिए, बीएससी में आपकी कट ऑफ है जनरल की वो है 589.45 और ओबीसी में आपकी कट ऑफ है 573.79 और आपके शेड्यूल्ड कास्ट में बीएससी में कट ऑफ है, चाहे वो बीएससी मैथ और बीएससी बायोलॉजी हो, वो है 490 और आपकी कट ऑफ बीएससी के लिए शेड्यूल्ड ट्राइब्स की है 294 और आपकी कट ऑफ है बीएससी में बीएससी मैथ बीएससी बायोलॉजी कंबाइंड ही है ईडब्ल्यूएस की सर पीसीबी हॉस्टल में 574.19। और आपके जो कट ऑफ है बीकॉम कोर्स के लिए बॉयज में सर पीसीबी हॉस्टल में वो है जनरल की 397.47 और आपकी कट ऑफ है बीकॉम में ओबीसी की वो है 365.29 और जो कट ऑफ है आपके शेड्यूल्ड कास्ट की बीकॉम में पीसीबी हॉस्टल वो है 335.80 और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की है 357.80। तो ये कट ऑफ है आपकी, ये है फर्स्ट मेरिट लिस्ट। अगर आपका इसमें नहीं है कोई पैनिक की बात नहीं है, ये हॉस्टल जो है डिफरेंट मेरिट लिस्ट निकालते हैं और आपके पीसीबी हॉस्टल की कट ऑफ है ऑलमोस्ट हाई ही रहती है। तो अगर आपने और हॉस्टल का फॉर्म भरा हुआ है लाइक सर सुंदरलाल, तो उसके जो कट ऑफ है मेरिट लिस्ट है वो कम जाएगी, सो आपका वहाँ हो जाएगा अगर आप इसके आसपास भी हैं तो। और अभी के लिए आपकी कट ऑफ है इसमें बहुत हाई है, आपको हॉस्टल्स भी जो हैं वो मल्टीपल मेरिट लिस्ट निकालते हैं। और बाकी आपको हॉस्टल लेने के टाइम पर जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, पर अगर आप नहीं जानते तो आपको वो सारे जो आपके डॉक्यूमेंट्स लगे हुए हैं आपके रजिस्ट्रेशन में, आपके CUT UG फॉर्म फिल करने में, वो आपके यहाँ भी लगेंगे, लाइक CUT UG स्कोर कार्ड, आपका रजिस्ट्रेशन का प्रूफ कि आपने AU का किया रजिस्ट्रेशन, आपका एडमिशन कार्ड, आपका फी रिसिप्ट, आपका डोमिसाइल, आपका 10th 12th का मार्कशीट, आपके 4-5 करंट फोटोकॉपी और आपके पापा मम्मी का आधार कार्ड, आपका आधार कार्ड। सो जनरल चीज़ें जो लगेंगी बस वही लगेंगी और बाकी आपको सारी अपडेट्स यहाँ मिलती रहेंगी चैनल पे। अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।